काशी गयो मैं तो केदार गयो, भाव थी प्रसाद लीधो नहीं, भाव थी प्रसाद लीधो नहीं, एमा भगवान बिचारा शू करे, मां भगवान बिचारा शू करे। गंगा मान्हायो जमुना मान्हायो, ओ भी शाही स्नान में मन न मेल धोयो नहीं, मन नो मेल धोयो नहीं, मां गंगा बिचारी सू करे, ए मां संगम बिचारा सू करे, ए मां प्रयाग बिचारा सू, ए मां प्रयाग बिचारा, ये संगम बिचारा सू करे, अगर हमने मन का मेल धोया ही नहीं, ए मां गंगा बिचारी सू करे। हम काशी केदार जाते हैं लेकिन भाव से प्रसाद किया ही नहीं, अगर भाव से दर्शन किए ही नहीं, वहां बैठे ही नहीं, वहां थोड़ा ध्यान ही नहीं करा, वहां तो हृदय से प्रार्थना नहीं करी, वहां कोई एक भजन नहीं कहा, वहां बैठ कर एक 10 मिनट तक याद नहीं करा उस बाबा को काशी में जाने के बाद, या तो तीर्थों में जाने के बाद जिसे दर्शन करने गए थे, एक हृदय को शांति मिलने के लिए प्रार्थना की ही नहीं, एमा भगवान बिचारा सू करे। उसमें भगवान का दोष क्या है? इसीलिए बस हम कितने तीर्थों में गए वो जरूरी जीवन में नहीं है, लेकिन तीर्थों में जाने के बाद हमारा हृदय कितना पवित्र हुआ, स्वभाव में कितना परिवर्तन आया, वो ज्यादा जरूरी है। दवाइयां कितनी हम करें वो जरूरी नहीं है, जरूरी है क्या मैं जो दवाई ले रहा हूं उसके परिणाम आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो आप दवाई बदल देते हो, आप डॉक्टर भी बदल देते हो, क्योंकि ठीक होना चाहते हो। आप कितनी दवाई ले रहे हो, आपको पेट का दर्द है और आप कहोगे कि मैं महाराज दवाई तो चालू है लेकिन दर्द मिटता नहीं है। कैसे नहीं मिटता महाराज? मैं तो 15 प्रकार की मैं दवाई कर रहा हूं फिर भी दर्द नहीं मिटता। तो जरूरी नहीं है कि 15 आप दवाई करें, ज्यादा आप टैबलेट लोगे तो दर्द कम होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो दर्द है शायद अलग हो सकता है और दवाई अलग हो रही है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा, दवाई बदलनी पड़ेगी। अब जो असर कारक है वो दवाई हमें लेनी पड़ेगी, न कि 15 लेते बैठे। तो इसीलिए हम अगर तीर्थ में आए हैं, एक बात सीधी है, गोपी गीत पर बोल रहा हूं इसीलिए आपकी झूठी स्तुति नहीं कर सकता, मैं आपको भटका नहीं सकता, मैं गलत रास्ते आपको नहीं ले जा सकता। आपको यहां आप बैठे, आपको बोर ना हो, आपको बहुत आनंद आ जाए, इसलिए मैं वो आत्मस्तुति नहीं करना चाहता, न गोपी गीत उसकी परमिशन देता है। यहां तो जो है वो सत्य है, सत्यम वद जो है वो नेचुरल है। गोपियां एक्टिंग नहीं करती, ओवर एक्टिंग नहीं करती, गोपियां जैसी है वैसी ही है, और इसीलिए वो विशेष है। हम सोचते हैं हम शाही स्नान करा ले तो हो जाएगा उद्धार। मैंने तो शाही स्नान किया, मैंने तो वहां डुबकी लगाई जहां मुख्य वो जगह थी, और हम सोचते हैं इससे सारी बातें हो जाएगी, लेकिन बस अकेला डॉक्टर पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं कर सकता, जो बीमार आदमी है उसका भी तो रिस्पॉन्स चाहिए।
तब जाके बीमारी ठीक होती है। उसी तरह ये तो पवित्र धाम है ही है, लेकिन हमारी वृत्तियां भी तो, हमारी उतनी श्रद्धा भी तो होनी चाहिए, तब परिणाम आता है। इसलिए अब शाही स्नान करने ही मिला है, अब त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त ही हुआ है, आ ही गए हैं कुंभ मेले में। हम जाते रहते तीर्थ धामों में तो उसका परिणाम आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, तब जाने से कोई मतलब है, नहीं तो फिर सब टाइम पास है, व्यर्थ है। आप ऐसी नौकरी तो नहीं करना चाहते, ऐसी खेती तो नहीं करना चाहते, ऐसा कोई धंधा उद्योग तो नहीं करना चाहते जिसमें लॉस हो, जिसमें नुकसान हो। हमेशा आप जो करना चाहते हो कि मुझे उससे फायदा हो। यहां भी आए हो अपने टिकट निकाल कर, तो आने जाने का टिकट कितने का हुआ, वो कैसे वसूल होगा, उसकी कोशिश करते हो। तो सारी जगह फायदा तो देख ही रहे हो, देखना चाहिए नुकसान क्या है। इन सारी चीजों में फायदा देख रहे हो, धंधे में, नौकरी में, सब जगह कैसे कैसे मैं फायदा उठाऊं। तो उसी तरह जीवन के बारे में भी तो हम सोचे, इस जीवन का फायदा कैसे उठाऊं, कैसे एक एक जो अनमल पल है, उस एक एक पल को जो लाख मोल की है, उस एक एक लाख मोल की पल को मैं कैसे सुधारूं, कैसे उपयोग करूं, वो व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसको मैं कैसे फायदेमंद करूं, ये भी तो सोचे, वो भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मन को स्थिर करे, शांत करे, और धीर गंभीर होकर बस अपने बाकी शेष जीवन को आनंद से जीने की कोशिश करे। जरूरी नहीं है कितना भटके हो, जरूरी है फायदा कितना हुआ है और अंतकरण कितना शुद्ध हुआ है। तो इसीलिए हम जो भी करें हृदय से करें, और परिणाम आना चाहिए जो भी हम करते रहते हैं। तो इसीलिए आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं और फिर अगली चर्चा में प्रवेश करेंगे। जय नंद लाला, जय गोपाला, जय नंद लाला, जय जय नंद लाला, जय गोपाला, जय नंद लाला, जय जय नंद लाला, जय गोपाला, जय नंद लाला, जय श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा, भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का राधे गोविंदा। मन भजलो हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गलवन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, हा हा केसर तिलक लगाए, मोर मुकुट सिर गलवन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, हा हा केसर तिलक लगाए, वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए, श्री राधे गोविंदा।
मन बजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंद मन बजले हरि का प्यारा लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोपाला यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी हा हा माधव मदन मुरारी यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी हा हा माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया जपी बजावे मधुर मुरलिया जब भी बजावे हर ले सुख बुद्ध सारी हो हर ले सुख बुद्ध सारी श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया तुकाराम और नामदेव ने राम और नाम देव ने विठल विठल गाया हे विठल विठल गाया श्री राधे मुझे लग रहा था इतना सुनने के बाद ताली अच्छी बजेगी
श्री राधे श्री राधे 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 राधे। आप बोल सकते हो मेरे साथ में, श्री राधे 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 राधे। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा राधा शक्ति बिना न कोई, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। श्यामल दर्शन पाए, हा हा श्यामल दर्शन पाए। वहां तक पहुंचने के लिए राधा माध्यम है, राधा नाम माध्यम है। अगर श्याम को चाहते हो तो पहले राधा जरूरी है। राधा का नाम जरूरी है, राधा का चरित्र जरूरी है, गोपी गीत जरूरी है, वो भाव जरूरी है, तब मुलाकात होती है। इसीलिए राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन राधे राधे, आराधन राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गली में राधे राधे धाम में राधे राधे मथुरा जी में। सब जगह राधा का निवास है जहाँ निर्मलता हो। आइए अपने हृदय में भी राधा के भाव को प्रकट करें। राधे 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 प्रयाग धाम में राधे राधे गंगा जी में राधे राधे यमुना जी में राधे राधे सरस्वती में राधे राधे त्रिवेणी संगम में राधे राधे कुंभ मेला में राधे 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 आराधन राधे 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 राधा 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 राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए, हो दर्शन पाए। आराधन राधे राधे, आराधन राधे काना भागी आए, हो काना भागी आए। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा, श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे जय नंद लाला जय गोपाल जय नंद लाला जय जय नंद लाला जय गोपाल जय नंद लाला जय श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गीत में ये गोपियां भगवान के चरित्र का वर्णन करती है, भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करती है और भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करते ये गोपियां थकती नहीं है। जिसके प्रति हृदय में प्रेम हो उसका गुणानुवाद करने से थकावट नहीं आती, बल्कि जितना गुणगान करते रहते हैं ऊर्जा मिलती रहती है। इनका प्रेम है इसलिए ये गुणानुवाद का वर्णन करती है। और एक बात है, जिसका जैसे स्वभाव है उसी तरह उसे ज्ञान प्रतिबिंबित होता है, जैसा जिसका स्वभाव है वैसे वो भगवान को देखती है समझती है। ये निर्गुण गोपियों का द्यूत है और इसलिए ये गोपियां अपने स्वभाव से भगवान को समझ रही है और भगवान के गुणानुवाद का वर्णन कर रही है। सात्विक गोपी जो है वो उसके स्वभाव से भगवान को देखती है, ये निर्गुण गोपी जो है वो भगवान को उस तरह से देखती है। कुछ तामसी गोपी भी थी, वो उस तरह से भगवान को देखती है और भगवान के गुणों का वर्णन करती है। क्योंकि जिसे जिसने जैसे रंग का चश्मा पहन रखा हो उसे संसार वैसे ही दिखाई देता है। आपको इन नैनों से बस संसार और संसार ही दिखाई दे और भगवान न दिखाई दे तो समझना अभी वो वाला चश्मा वो वाली नजर अभी आना बाकी है, शेष है। और संतों के चरित्र को स्मरण करना, उनकी तो नजर चींटी से लेकर हाथी तक जाती है, सभी जीव प्राणी मात्राओं में पड़ती है, तो उन्हें तो भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो समझदारी वाला चश्मा पहन रखा है। हम तो ना समझी का चश्मा पहनते हैं,
हम तो द्वैत का चश्मा पहनते हैं और इसलिए पूछते रहते हैं पूरे जीवन भगवान कहाँ है। इसीलिए भगवान को 18 अक्षौहिणी सैन्य खड़ा था कुरुक्षेत्र पर, परंतु भगवान अपने विराट स्वरूप को प्रकट करते हैं तो बस अकेले अर्जुन को वो दिखाई देता है, क्योंकि उस अर्जुन को वो आंख मिली है, अर्जुन ने वो आंख प्राप्त की है, अकेले अर्जुन को दर्शन देते हैं। भगवान को ही अलग कमरे में नहीं ले गए थे, निज रूप दिखाने वही कुरुक्षेत्र में, लेकिन दिखाई तो एक ही को दिया, वहां संजय देख रहा था और धृतराष्ट्र को बता रहा था। मैं तो मानता हूं वो अंधा धृतराष्ट्र हमसे भी बेहतर है, भाग्यशाली है, जो अंधा होने के बाद भी संजय के द्वारा भगवान के विराट स्वरूप को देख ही रहा था। वो तो अंधा था फिर भी देख रहा था, भाग्यशाली था। हम तो आंख होने के बाद भी उस भगवान के उस विराट स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं। अब संशोधन करना चाहिए, धृतराष्ट्र अंधा था या हम अंधे हैं। इसीलिए भगवान को देखने के लिए, उस अनुभूति के लिए, उस ज्ञान की आंख का, अंत चक्षु का, ज्ञान चक्षु का होना जरूरी है। और वही ज्ञान चक्षु सत्संग से मिलते हैं, सत्संग में बैठने से मिलते हैं, सत्संग सुनने से मिलते हैं, सत्संग सुनने के बाद हृदय तक पहुंचने से मिलते हैं, हृदय में पहुंचने के बाद जीवन में उतारने से मिलते हैं परिणाम। इसीलिए सत्संग में बैठना जरूरी है, ये सत्संग रूपी झाड़ू हृदय में लगना हर रोज जरूरी है। मन मंदिर मेरे पगले झाड़ू रोज लगाया कर, आ बैठ दो घड़ी भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर मेरे पगले झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेला दो घड़ी भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर मेरे पगले झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेला दो घड़ी। अगर आप दो घड़ी अपने लिए नहीं निकाल सकते तो वो जीवन व्यर्थ है। भगवान के भजन को आपको समय नहीं है भाई, व्यर्थ है जीवन। फिर जीवन को जीने का मकसद क्या है? इसीलिए बैठ अकेला दो घड़ी भगवान के गुण गाया कर। हम सत्संग में बैठे, सत्संग सुने, वहां से विवेक मिलता है, वो अंत चक्षु मिलते हैं जिसमें वो भगवान को देखने की नजर प्राप्त हुआ करती है। और इसीलिए तो ये मनुष्य जन्म है, तो ये निर्गुण गोपियों का जोत भगवान के दर्शन कराना चाहती है। भगवान कहां विराजते हैं, कैसे विराजते हैं और कैसे दर्शन होंगे, उसकी महिमा का वर्णन करती है। उस अंतर्यामी जो दृष्टा है, उस भगवान का वर्णन ये गोपियां करती है। और जैसे हमारा स्वभाव है वैसे अनुभूति होगी, जैसे नजर होगा वैसे हमें दिखाई देगा। तो हम पूरी पूरी कोशिश करें कि किसी भी तरह से हम उस नजर को प्राप्त करें, उस भाव को प्राप्त करें, उस ध्यान को प्राप्त करे जिससे मैं अपने भगवान को याद कर लूं। घर में रोज झाड़ू लगा रहे हो, लगाते ही हो, हर रोज सुबह झाड़ू लगाते हो,
उसी तरह हर झाड़ू लगाते क्यों हो आप जानते हो, जान रहे हो, इसलिए तो झाड़ू हर रोज लगा रहे हो। उसी तरह मन में भी तो हर रोज झाड़ू लगे, मन भी तो साफ हो, मन भी तो साफ सुथरा हो, तब जाके तो जी पाओगे, तब जाके तो जीवन को जीने का आनंद ले पाओगे। तो ये सत्संग मन का झाड़ू है, ये सत्संग साबुन है, इसीलिए सत्संग जरूरी है, भगवान का स्मरण जीवन में जरूरी है। इन गोपियों की हालत उसी तरह से हो गई है, और ये गोपियां जो है भगवान के स्वरूप को प्रकट करती है कि हम भी उस निर्गुण निराकार भगवान में अगर जान जाते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, तो धीरे धीरे हम भी उस तत्व की निर्गुण की ओर चले जाते हैं। उस निर्गुण स्वरूप, उस जो दृष्टा अंतर्यामी है, उसमें हम एक हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, और फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण भी संत बताते हैं, चिंतन करते हैं कि जिस प्रकार हम अग्नि में आहुति देते हैं, जिस प्रकार हम अग्नि में आहुति देते हैं ना, इदम अग्नये, इदम न मम, ओम स्वाहा, इदम अग्नये, इदम न मम, हम अग्नि में आहुति दे रहे हैं, जैसे अग्नि में आहुति देते ही वो आहुति अग्निमय बन जाती है, वाहुति अग्निमय बन जाती है, उसी प्रकार ये तीनों गुण सत्व रज तम, ये अगर भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं तो वो भगवान में एक हो जाते हैं, भगवानमय बन जाते हैं, और जीव निर्गुण हो जाता है। अब गुण ही नहीं रहे, गुणों का तीन वर्णन है, सत्व रज तम, तो ये तीनों ही गुण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए जाए, भगवान के हम बन जाए, समर्पित कर दे। इसलिए तो हम ये जो मत्था टेकते हैं, जब भी भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो हम बस स्पर्श नहीं करते, हम मत्था टेकते हैं, क्योंकि यही तो वो रहते हैं ना बुद्धि में तीनों गुण। तो मत्था टेकने का मतलब है कि यहां रहने वाले जो त्रिगुण है, हे परमात्मा, हम उन सत्व रजतम तीन गुणों को आपके चरणों में रख रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। अगर उन गुणों को हम समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में, तो हम भी निर्गुण बन जाते हैं, मुक्त बन जाते हैं, मोक्ष की अनुभूति होने लग जाती है। गोपियां हमें संदेश देती है, इसी तरह निर्गुण स्वरूप जो परमात्मा है, उसमें हमें एक होने के लिए निर्गुण बनना पड़ेगा, सभी दोषों को हटाना पड़ेगा। पहले श्लोक में हमने सुना विष और विषय की बात आई थी, उन विषयों को हटाना पड़ेगा। कालिया नाग को वश किया और यमुना के जल को शुद्ध किया, विष निकाल दिया, उसी तरह यमुना हमारा जो शरीर है, इसमें से भी हमें वो जहर, वो विष निकालना होगा, विकारों का, विषयों का, तब जाके ये शरीर भी पवित्र होगा, भगवान के रहने लायक बनेगा, अनुभूति के लायक बनेगा। इसलिए ये दोष भगवान के चरणों में हम अर्पण कर दे, और अर्पण कर दे और वापस फिर उन दोषों को करते रहे, इसका मतलब ये नहीं होता। बस अर्पण करने के बाद प्रार्थना करें कि अब दोष वापस मेरे अंदर आए ही नहीं, तो भगवान श्याम सुंदर भी इन गोपियों से कहते हैं कि आप भी तो ज्ञानी की भांति, यदि तुम, बहुत ही सुंदर बात भगवान ये इन गोपियों को कह रहे हैं, ये दोनों का संवाद है। तो भगवान इन गोपियों को कहते हैं कि हे गोपियों, आप भी ज्ञानियों की तरह आप दोषों को निकालने के लिए प्रयत्न करोगी तो तुम्हारे दोष युगों युगों तक इन दोषों की, तुम्हारे दोषों की आवृत्ति बनती रहेगी, कभी इन दोषों से तुम निवृत्त बन ही नहीं पाओगी। इसलिए एक काम करो, इन दोषों को मेरे चरणों में ही समर्पित कर दो,
भगवान कहते हैं दोषों को निकालो मत, आप जीतना उसे निकालने की कोशिश करोगे, स्प्रिंग होता है ना, जीतना दबाइए, ऐसे दबाते जाओ स्प्रिंग को, उतना उछलता है। तो जितना हम दोषों को निकालने की कोशिश करेंगे उतना वापस वापस उसका स्मरण होता रहेगा, वो बढ़ता जरूर जाएगा। तो भगवान ने कहा इसे आप निकालिए मत, ज्ञानियों की तरह निकालिए मत। अब क्या संकेत भगवान को देना था भगवान जाने, मेरी क्षमता नहीं है मैं उसे स्पष्ट करूं। तो भगवान कहते हैं दोषियों को निकालो मत, मुझे अर्पण कर दो, मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ, उन्हें समर्पित कर दो, बाकी फिर वो दोष समाप्त हो जाएंगे, फिर आपके जीवन में वापस नहीं आ सकते, गोपियों से बात कर रहे हैं। तो भगवान के लिए ये गोपियां कह रही है नखल गोपिका नंदनो भवान, उसी पर हमारी चर्चा चल रही थी कि हे घनश्याम आप यशोदा जी के पुत्र नहीं है, हम इस सत्य को जानती है कि आप यशोदा के पुत्र नहीं है, आप हम सब जीव प्राणी मात्राओं के आत्मा है, आप परमात्मा है हम ये जानते हैं, और बस हम जो सामान्य जीव है हमारे उद्धार के कारण, हमारे कर्म बंधनों को तोड़ने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए आप इस भूतल पर आप प्रकट हुए हो, हम जानते हैं। मतलब ये कह रहे हैं ये चोरी करता है, हमारे घर आता है, हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ अलग अलग क्रीड़ाएं कर रहा है, माँ यशोदा कान पकड़ाती है, माँ यशोदा लकड़ी लेकर पीछे भागती है, माँ यशोदा आँख दिखाती है, माँ यशोदा उखल को बांधती है, अरे हे कृष्ण हमें तो सब पता है कि तू जी जो ये लीलाएं करके जो बताना चाहता है कि मैं बहुत साधारण हूं, लेकिन हम आपके निज रूप को जान चुकी है, आप असाधारण हो और एक सामान्य बनकर आप प्रकट हुए हो, क्यों? क्योंकि हमारे हम जैसे सामान्य जीवों का उद्धार जो करना था। गोपियां भगवान के रूप को, मूल स्वरूप को जान चुकी है, और शायद इसलिए वो भगवान से जुड़ी है। हम भी जब भगवान के उस अनंत सच्चित आनंद स्वरूप भगवान को जानते हैं, जब उसके प्रति ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हम भी गोपियों की तरह उसके दीवाने बन जाते हैं, हम मस्ताने बन जाते हैं, हम भी पागल बन जाते हैं उसके पीछे, जब निज रूप को जान लेते हैं। मेरी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत दे दूं। संत मीराबाई जी एक दिन ऐसे ही रास्ते से चली जा रही थी, और रास्ते से चलते चलते भजन गा रही थी, एक तारा लेकर पैरों में घुंघरू बांधे थे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। देखो ये मीराबाई कह रही है ना, इसीलिए शब्द ऐसे है। अगर मैं आपका दृष्टांत बताता कि रास्ते चलते हुए आपकी बात बताता, तो आप क्या बोलते हो रास्ते से चलते चलते? ये घर भी मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये लड़का मेरा है, एक लड़की मेरी है, ये सास मेरी है, ये बहू मेरी है, ये पाकिट मेरा है, ये पैसा मेरा है। हमारी बात तो ये है, हमें लगता है ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये हमें ये मेरा लगता है, और संत मीराबाई में फर्क है।
वो जब चांदी के महल को लात मारकर बाहर निकल जाती है, वो कहती है ये घरवार नहीं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज तक कई लोगों की अंतिम यात्रा आपने देख ली, किसी को देखा जो घर ले गया, किसी को देखा कोई पैसे कुछ पैसे ले गया, पानी पूरी खाने, दाबेली खाने, मिसल खाने, कोई ले गया पैसा, कोई हाथों में अंगूठी ले गया, ले जा सकता है, वो भी निकाल ली जाती है, वस्त्र तक नहीं जाते, कोई घर बार कोई जाओ जलाली नहीं ले जा सके, आपने सबको खाली हाथ जाते देखा है। जिसको मेरा मेरा कह रहे थे जीवन भर, वो तो छूट गया, और जो आपका अपना था, मेरा अपना था, उसे मैं मेरा कहना भूल गया, इसलिए खाली हाथ जा रहे हो। लेकिन ऐसी कथा में बैठकर अगर गोविंद मेरा है कह देते तो खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए घर बार ये हमारा नहीं है, हमारा कौन है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इतनी इतनी भक्ति थी मीराबाई की। आप वृंदावन गए हो, हाँ? वहां जब बांके बिहारी के दर्शन के लिए हम लोग जाते हैं तो बीच बीच में पर्दा करते हैं, पर्दा करते रहते हैं ना, थोड़े थोड़े समय बाद पर्दा करते रहते हैं। अभी मेरी जब कथा वृंदावन थी तो हमने वहां के पंडित जी को कथा पूछी थी, मैं बोला भगवान का इतना बढ़िया स्वरूप दिख रहा है और जब हम दर्शन कर रहे थे तो ये बीच में ये पर्दा गड़बड़ करता था। मैं बोला आनंद नहीं आया, ये परंपरा क्यों है, पर्दा क्यों करते हो बार बार भगत और भगवान के बीच में। बोले ये तो यहाँ की परंपरा है, उसकी कथा है। बोले उसकी क्या कथा है, मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि एक दिन ये जो संत मीराबाई जी है यहाँ वृंदावन आई थी, यहाँ वो मीराबाई आए थी और जैसे ही बांके बिहारी के दर्शन करने मंदिर मीराबाई पहुंची और जैसे बांके बिहारी के दर्शन किए, बांके बिहारी की उस मूरत को देखा और भजन करने लगी, एक नजर से बांके बिहारी की ओर देख रही थी बाई मीरा और हृदय से हृदय में भाव भरा था, और जैसे बांके बिहारी के दर्शन कर रही थी इतना भाव उमटा है हृदय में, इतनी करुणा से भजन हो रहा था, इतनी श्रद्धा समर्पण से भजन हो रहा था कि बांके बिहारी की जहां मूर्त रखी थी वो बांके बिहारी मीराबाई की ओर खींचे चले आ रहे थे। वहां के पुजारियों ने मीराबाई से प्रार्थना की और मीराबाई से कहा कि आप अगर हमारे इस बांके बिहारी को ले जाओगे तो हमारा क्या होगा, ये तो बांके बिहारी ऐसे है जो प्रेम करेगा उसके हो जाते हैं और उसके पीछे ही चले जाते हैं। मीराबाई अगर हमारा ये बांके बिहारी आपके साथ हो लिया तो हमारा क्या होगा। तो बोले आपके भगवान को बचाना है तो उसके और मेरे बीच में पर्दा करिए, नहीं तो फिर ये तो मेरे साथ आएगा ही आएगा। और तब उन पुजारियों ने पर्दा किया है और तब जाके भगवान वही के वही रुक गए, नहीं तो मीरा के साथ हो लेते।
तब से ये परंपरा शुरू है। और बाके बिहारी इतने करुणामयी है, इतना सदहृदयी है बाके बिहारी कि कोई प्रेम करे, कोई करुणा से देख ले उसकी और हृदय से अगर देख ले तो बाके बिहारी उसके साथ चल जाते हैं। इसलिए कोई एक नजर से ज्यादा समय देखे नहीं और बाके बिहारी उसके होके चले न जाए, इसलिए बार बार में पर्दा किया जाता है। ये मेरा भाई है कि बाके बिहारी भी इंप्रेस हो गए। हम न जाने किस किस को इंप्रेस करने में टाइम पास करते रहते हैं, और मीराबाई है वो भगवान को इंप्रेस करती है। उसे पता है दुनिया को इंप्रेस करने से, प्रभावित करने से क्या होगा, लेकिन मैं एक बार अगर अपने भगवान को प्रभावित कर दू, अपने भगवान की बन जाऊं तो मेरा जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए मीराबाई जब रास्ते से जा रही थी तो बोल रही थी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। किसने मुझे पूछा था भगवान कितने नटखट थे, मैं बोला वृंदावन जाओ वहां के जो बंदर है आज भी वो जितने नटखट है, इनके बॉस कितने नटखट होंगे वो याद करिए, आज भी वो बंदर इतने नटखट है। आपने चश्मा पहना हो तो कब आपके यहाँ कंधे पर बैठ के आराम से चश्मा निकाले और भागे पता ही नहीं चले आपको, तो पता करिए इनके बॉस वहां के कितने नटखट होंगे। आज भी अनुभूति मिलती है वहां पर कि कितना आनंद रहा होगा। इसलिए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो। मीराबाई गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है रास्ते से जा रही है, तभी एक ईवान वहां पर आया, उसने मीराबाई का हाथ पकड़ा है और मीराबाई को कहने लगा कि मीरा अब मैंने हाथ पकड़ा है मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मीराबाई पूछती है क्यों, तो लड़का कहता है मुझे आपसे प्रेम हुआ है, मैं आपको बहुत चाहता हूं, आपकी सुंदरता मुझे बहुत भा गई है, मैं आपसे शादी बनाना चाहता हूं। मीराबाई उसकी तरफ देखकर हंस रही थी, बोले मुझसे प्रेम हुआ है, बोले हां, बोले आपने अगर मुझसे शादी नहीं बनाई तो मैं अब के अब मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। अब मीराबाई सोचने लगी मैं इसे मना कर दूं तो बेचारा मर जाएगा, आत्महत्या कर देगा, अब इसे क्या बताऊं कि मेरी तो शादी भी बन चुकी थी लेकिन हम तो सब छोड़ के उस दरबार उस राजघराने की बहू थी, हम सब छोड़ के मैंने खुद अपने शाम से शादी बना ली है, अब इसे कौन समझाए। बोले नहीं शादी करोगी मेरे से तो मर जाऊंगा, नहीं जीना है। मीराबाई ने कहा इतना प्रेम करते हो मुझसे, बोले हाँ बहुत, बोले कितना, बोले जो परीक्षा लेनी हो ले लो मीराबाई, मीराबाई आप कहे तो मैं मेरा सर काट के आपके हाथों में रख दू, प्रेम करता हूं आपसे। मीराबाई सोचने लगी ये तो मेरे से भी आगे है, यही तो प्रेम यही तो भाव मेरे हृदय में भी मुझे जगाना है अपने कृष्ण के प्रति।
कोशिश करूंगी। बोले क्या करोगे? बोले आप कहो क्या करना है, लेकिन आपसे शादी बनानी है। मीराबाई ने कहा चलो हम आपकी पहले परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेने के बाद आपसे शादी बनाएंगे। बोले बोलो क्या करना होगा। तो मीराबाई ने कहा मैं आपको एक मंत्र देती हूं, जब उस कृष्ण को वो मुझे मिल नहीं रहा, मैं कृष्ण का मंत्र आपको देती हूं, वो मिल नहीं रहा, वो कहीं खो गया है, मैं उसे उसे पाना चाहती हूं, मिलना चाहती हूं, अब मेरे से मुलाकात करा दे। बस मैं तेरे से शादी बना लूंगा, तेरे से शादी बना लूंगी, बस उसकी मुलाकात हो जाए और तुझे अगर मिल जाए तो बस मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। बोले फिर क्या करना होगा? बोले कृष्ण नाम लेना होगा। बोले कैसे लेना होगा? बोले बस आप बैठ जाओ और ध्यान से बहुत ही गहराई से हृदय की उस कृष्ण को याद करे। आपको अगर मेरे कृष्ण मिल जाते हैं, उसके दर्शन हो जाते हैं, अगर आप मेरे कृष्ण के दर्शन कर पाते हो तो आप अधिकारी बन जाओगे मेरे से शादी करने के लिए। बोले ठीक है। अब ये तो घायल हो चुका था ना प्रेम में, ये तो कुछ भी करना चाहता था, कुछ भी करने की इसकी तैयारी थी, क्योंकि लागी लागी सब कोई कहे, लागी बुरी बलाए, लागी होए सो जानी जे आर पार हुई जाए। मेरा भाई के हृदय को लगी थी ना प्रीत, इसीलिए घर छोड़ती है। ये बुरी बला है, आर पार हो जाती है, हृदय में आर पार हो जाती है, फिर हम किसी और चिंता जीवन में नहीं करते, बस लग जाने के बाद कृष्ण और मैं बस, बाकी दूसरे कोई चिंतन मन में नहीं आता, और कुछ भी करने की वो जीव तैयारी रखता है जिसके हृदय में लग चुकी है, वो तड़प जाग चुकी है, वो प्यास जाग चुकी है, वो भूख लगी है, वो तैयारी रखता है, अपना सर हथेली पर लिए घूमता है, कुछ भी करने की तैयारी रखता है। अब प्रेम में घायल हो चुका था मीराबाई, मैं जरूर ध्यान करूंगा और कृष्ण की अनुभूति करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कृष्ण कहाँ है, कैसे है, तब तक रुकना, मैं शादी आपसे ही बनाऊंगा। अब कृष्ण नाम लेकर वो लड़का वहां से निकल पड़ा, अब ध्यान में बैठा है, प्रेम में घायल हो चुका था मीराबाई के प्रेम में, और बस अब तो शादी तब बनेगी जब कृष्ण दर्शन पाऊंगा, क्योंकि कृष्ण दर्शन पाना ही होगा और बताना भी तो है कृष्ण कैसे है, सुंदरता कैसी है दिखने में, मुझे बताना भी तो है, मीराबाई पूछेगी और फिर मैं बताऊंगा, फिर शादी होगी। तो ध्यान में बैठा है, अब हृदय से ध्यान करने लगा, क्योंकि जब किसी इस तरह हृदय घायल हो जाए तब जो नाम निकलता है ना हृदय में, वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि आप बद्रीनाथ के पहाड़ों से आपकी गाड़ी जा रही है और आपको सूचना मिलती है आपकी गाड़ी के आगे जो गाड़ी थी, बस वो गाड़ी 15 मिनट पहले वो गाड़ी नीचे दरी में गिर गई, तो गाड़ी में आप बैठे हो, गाड़ी अब घाट से जा रही है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्मरण चालू हो जाएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक। अब की बार ऐसे समय में जो हनुमान चालीसा का पाठ होगा, इससे पहले हजारों बार कर रखा हो फिर भी इस बार का परिणाम आएगा।
ऐसे समय में जो पुकार निकलती है, द्रौपदी की पुकार निकली थी, ऐसे समय में आर्त पुकार निकली थी, सीधा भगवान के पास आवाज पहुंचता है। तो अब इस यहां परिस्थिति ऐसी थी, एकाग्रता से पूरे भाव से भगवान को पुकारने लगा। आश्चर्य हुआ, मेरे करुणा निधान भगवान जो थे, करुणा निधान भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि इसने पहले तो एक समय भोजन करता था और कृष्ण 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 कह रहा था। अब कृष्ण मिल नहीं रहे, अनुभूति नहीं हो रही, तो शादी नहीं होगी, मीराबाई से शादी बनानी है, प्रेम हो गया है मीरा से। अब एक भुक्त रहे, एक समय भोजन करते थे, नहीं मिले, अब मैं भोजन छोड़ देता हूं, अब फलाहार होगा, फलाहार करने लगा, फल ग्रहण करता था, फिर भी नहीं मिले, अब फल भी छोड़ दिए, अब जल पीने लगा है कि मैं अब जल पीऊंगा और कृष्ण की आराधना करूंगा, मिल जाए, अब जल पर रह रहा था, फिर भी भगवान नहीं मिले, अब सोचने लगा, अब तो मैं जल भी त्याग कर देता हूं, जल का भी त्याग कर दिया, अब भोजन का जल का त्याग करने से शरीर दुबला पतला हो गया, बहुत शरीर जलने लगा, शरीर में तकलीफ थी, लेकिन ध्यान उस तकलीफ के ऊपर न देकर ध्यान था कृष्ण नाम में। अब इतनी कठिन ये तपश्चर्या कर रहा था, भगवान करुणा निधान भगवान प्रकट हो जाते हैं, अब तो मैंने जाना चाहिए, अब मैंने इसको दर्शन देने चाहिए, और बस उस निराकार स्वरूप, जो निर्गुण स्वरूप परमात्मा है, जो अंतर्यामी है, वो जानते हैं और इसको दर्शन कराते हैं, और जैसे ही वो निर्गुण परमात्मा साकार बनकर प्रकट होते हैं, आंख खुलती है, आंख खुलते ही भगवान के दर्शन ये पा रहा है, ये भगत भगवान के दर्शन कर रहा है, और जैसे भगवान के दर्शन कर रहा था, आंख भर आई, भगवान की वो सुंदरता देखी, मधुराधिपते रखिलम मधुरम का वो मधुर स्वरूप देखा, वो नयनों को देखता है, वो अधरों को देखता है, वो स्वरूप को देखता है, भगवान के मुख कमल को देखता है, बस घायल हो गया उस भगवान की सुंदरता को देखते देखते ही रहा, अपने आप को भूल गया, कामना समाप्त हो गई, इच्छा समाप्त हो गई, विषय समाप्त हो गए, विकार समाप्त हो गए, क्योंकि ये जो प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं, जब उसके दर्शन हो जाते हैं ना, तब ये सारी जो भौतिक कामनाएं है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे प्रकाश के आने से अंधकार अपने आप ही, अंधेरा अपने आप ही समाप्त हो जाता है, उसी तरह उस अनुभूति के बाद ये सारी कामनाएं वासनाएं समाप्त हो जाती है। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ, भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करता ही रहा, आंख भर आई, आंसू बहने लगे, भगवान को प्रणाम किया, भगवान पूछते हैं क्या चाहिए, अरे भगवान आपके आने से सब कुछ मिल गया, बस अब कुछ शेष नहीं है जीवन में, आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन मिल गए, भगवान आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो जाते हैं। ये जो लड़का था, इवान था, वापस बस उस आनंद की अनुभूति करके जा रहा था रास्ते से, जैसे ही देखा सामने से मीराबाई आ रही है, तो लड़के ने रास्ता बदल दिया। मीराबाई भागती भागती उस इवान को पकड़ती है, अब की बार मीराबाई उस लड़के का हाथ पकड़ती है, और मीराबाई पूछती है, भाई क्या हुआ, आप तो प्रेम करते थे, मुझसे शादी बनाना चाहते थे, क्यों रास्ता बदल रहे हो? जो लड़का था, जो इवान था, जो शादी बनाना चाहता था, प्रेम करता था मीराबाई के ऊपर, वो दंडवत प्रणाम मीराबाई को करता है, क्षमा याचना करता है, नहीं मुझे आपसे शादी बनानी है,
बोले क्यों, आप तो कहते थे कुछ भी करके शादी बनानी है, नहीं तो मर जाऊंगा, नहीं जी सकता, क्या हुआ ऐसे? बोले जब मैं कह रहा था प्रेम हुआ है तब आपके शरीर से प्रेम हुआ था और मैं पागल बन चुका था, कुछ भी करने की तैयारी थी, सुंदरता को देख कर प्रेम किया था आप पर। लेकिन मीराबाई जब मैंने अपने भगवान की सुंदरता देखी तो उसकी सुंदरता देखने के बाद जगत की सारी सुंदरता फीकी लगने लग गई है। अब सारी सुंदरता फीकी लगने लग गई है, अब बस अब उसके बगैर में जी नहीं सकता, बस उसे अनुभव करता रहो, ध्यान करता रहो, बस उसी का भजन करता रहो, यही मेरे जीवन का ध्येय है। मैंने जब सुंदरता देखी, उस प्यारे भगवान को देखा तो बार 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 ऐसे लग रहा है उसे देखता रहो और आनंद करता रहो। मीराबाई कहती है भले आदमी, ये तो मुझे भी पता था कि तू जब मेरे प्यारे मेरे कृष्ण को देख लेगा तो मेरे से वासना हट जाएगी और तेरा प्रेम बन जाएगा मेरे गिरधारी के ऊपर, मेरे कृष्ण कन्हैया के ऊपर, और तू मेरी सुंदरता को और मुझे भूल जाएगा, मुझे पता था, इसलिए मैंने ये आपकी परीक्षा ली थी। मीराबाई को पता था ये जब उस मूल स्वरूप को देख लेगा तो उसके बनाए ये शरीर को भूल जाएगा, इसकी वासना हट जाएगी। ये वासनाएं बाकी ही तब तक रहती है जब तक मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और दर्शन नहीं होता, उस सनातन तत्व का ज्ञान नहीं मिलता तब तक भौतिक सुखों की अपेक्षाएं कायम रहती है। इसीलिए मीराबाई ने अनुभूति कराने के बाद बस अब बाकी जो बाह्य जगत की सुंदरता है अब इसे वो फीकी लगने लगी है। वैसे ही होता है, ये बाह्य जगत पर प्रेम तब तक बना रहता है जब तक हम भगवान को प्रेम नहीं करते, और भगवान से प्रेम करने के बाद लगता है दुनिया की सारी जाहो जलाली, या तो दुनिया ही मुझे मिल गई, अब कोई अपेक्षा शेष नहीं है। इसीलिए गोपियां भी बहुत सुंदर भाव से भगवान के लिए वर्णन करती है कि बस अब हमें भी भगवान देखने जैसा इस जगत में कुछ नहीं है, अब देखने के लिए शेष नहीं है। और गोपियां कहती है जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। चली जाऊं चली जाऊं चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा एक प्यार काफी है, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग दंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग दंग मुझको। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
जगत के साज बाजो से हुए हे कान अब बहिरे, जगत के साज बाजो से हुए हे कान अब बहिरे। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, सुनो अनहद तेरी झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। तेरी भक्ति से हो प्रीति, तेरी भक्ति से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की झूठी है रोशनी, आंखें भर गई मेरी, मेरी आंखों में हो हरदम, मेरी आंखों में हो हरदम, तेरा चमत्कार काफी है। चली जाओ चली जाओ चली जाओ मैं वृंदावन, तेरा एक प्यार काफी है। गोपिया कहती है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जो एक बार उसके दीदार देख लेता है, फिर जगत के इस नश्वर रंग में उसको आनंद नहीं आता। फिर